हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। व्हाट इज एफिलिएट, यानी कि हमको कंपनी ने सबसे पहले जो एफिलिएट पर क्लिक करने के लिए बोला था, ऐसा क्यों कहा। वी एन एफिलिएट, यानी कि सबसे पहले हमको कंपनी ने एफिलिएट बनाया, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एफिलिएट कंपनी ने सबसे पहले हमको क्यों बनाया, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम एफिलिएट नहीं होते तो क्या होता। अगर हम एफिलिएट नहीं होते तो क्या होता, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर वो एज ए यूजर का होता, मात्र किसका होता, एज ए यूजर का होता, हमारी गिनती एफिलिएट में नहीं आती। अब मैं आपको बताता हूं कि एफिलिएट का मतलब क्या होता है, फिर बाद में बताऊंगा कि एफिलिएट क्यों बनाया कंपनी ने और इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीजन है और इसका क्या इतना बड़ा फायदा हमको मिलने वाला है। तो एफिलिएट का मतलब क्या होता है, एफिलिएट का मतलब होता है संबद्ध। ध्यान से शब्द को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, संबद्ध, संबंध नहीं बोल रहा हूं, रिलेशन नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं संबद्ध। जी हां, ध्यान से सुनो फिर, संबद्ध। चलो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाई देता हूं, ये स्क्रीन पर देखो लिखा हुआ है संबद्ध और दूसरी तरफ लिखा हुआ है संबंध, वो होता है रिलेशन, ये होता है एफिलिएट। यानी कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि आपने अगर हाई इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने विश्वविद्यालय में यानी कि अपनी बीए बीकॉम या हाई लेवल की जो एजुकेशन होती है अगर आपने प्राप्त की हो किसी भी कॉलेज के अंदर, तो वो एक कॉलेज जो होता है, महाविद्यालय जो होता है, वो किसी एक यूनिवर्सिटी से अटैच होता है, किसी एक यूनिवर्सिटी से अटैच होता है। जैसे कि हम रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज के अंदर, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कासगंज के अंदर जितने भी हमारे एटा कासगंज में जितने भी हमारे आते हैं कॉलेज, जैसे जो महाविद्यालय हैं, वो हमारे आगरा यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं। जी हाँ, आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, तो आपने उस महाविद्यालय पे लिखा हुआ देखा होगा कि जैसे कि हमारे पड़ोस में एक विद्यालय है सर एमयू महाविद्यालय संबद्ध बाई संबद्ध, जी हां संबद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संबद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपके एरिया में जो महाविद्यालय है जहां पे बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, बीए बीकॉम बीकॉम एंड बीटेक वगैरह करने के लिए जाते हैं, बीएड करने के लिए जाते हैं, बीटीसी करने के लिए जाते हैं, तो ये जिस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं संबद्ध, उसको कहते हैं एफिलिएट। आपने इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे स्कूलों के नाम देखे होंगे, उस पर लिखा होता है जैसे कि सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, एफिलिएटेड एफिलिएट टू सीबीएसई बोर्ड। तो ये क्या है कि वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट है, यानी कि मान्यता प्राप्त है। तो एक तो मतलब ये हो गया कि हम मान्यता प्राप्त हैं, एफिलिएट का मतलब हो गया संबद्ध, जी हां संबंध नहीं संबद्ध, संबद्ध हो गया इसका मतलब, यानी कि हम उस संस्था से जुड़ चुके हैं, उस संस्था के साथ मिल करके हम काम कर रहे हैं, उस संस्था के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं हमें उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है और उसी के नियम के अनुसार ही हमें काम करना है, आगे बढ़ना है। तो एफिलिएट का मतलब हो जाता है कि आपको मान्यता प्राप्त हो चुकी है, सारी शर्तों को पूरा करते हुए हमारे साथ संबद्ध होकर के आप काम कर सकते हैं, संबद्ध होकर के आप काम कर सकते हैं। एफिलिएट बनने के बाद कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस भी हम कर सकते हैं। जब तक हम इस एफिलिएट ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते हैं, जब तक हम एफिलिएट नहीं बनते हैं, तब तक ध्यान रखिए कोई भी व्यक्ति इस ऑन पैसिव के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जी हां किसी भी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं जहां पे एफिलिएट तरीके से लोग इनकम कमाते हैं, वहां पे कोई भी व्यक्ति इनकम नहीं कमा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेजोन की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने हम सब लोगों को जो एफिलिएट बनाया है, तो सबसे पहले तो कंपनी ने हम लोगों को फाउंडर ही बनाया है, लेकिन फाउंडर की तो एक अलग पोजीशन है, जी हां अलग पोजीशन है, जो हमें कंपनी की तरफ से थोड़ी बहुत जो है सहूलियत या थोड़ी बहुत जो जितनी भी हमें कुछ भी कह सकते हैं बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन बिजनेस करने के पर्पज से कंपनी ने अपना पहला कदम हम लोगों के लिए दिया, पहला स्टेप हम लोगों के लिए दिया। कंपनी ने सभी फाउंडर्स को जो है अपने
ऑन पैसिव के इकोसिस्टम से संबद्ध कर लिया। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति अभी जो हमारे इकोसिस्टम के ऑन पैसिव के अंदर हैं, फाउंडर पोजीशन पर हैं, अगर वो अपना एफिलिएट लिंक जनरेट नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना बात के लिए, अगर वो एफिलिएट लिंक को जनरेट नहीं करते हैं, अगर वो एफिलिएट नहीं बनते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की कैटेगरी में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूजर की कैटेगरी में रहेंगे, उनको किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंपल्सरी टू बी एफिलिएट। इसलिए ये एफिलिएट बनना हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम बहुत सारे जो बिजनेस पर्पज के जितने भी काम आने वाले हैं, जो भी हम बिजनेस करने वाले हैं, वो हम यहां पे बिजनेस कर पाए। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति यहां पे बिना एफिलिएट बने बिजनेस नहीं कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी ने हम लोगों को एफिलिएट क्यों बनाया, ताकि आने वाला जो वक्त है वो बिजनेस करने का है, और बिजनेस वही कर पाएगा जो एफिलिएट बनेगा। तो आई होप यहां पे हम सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंपनी ने हम सब लोगों को एफिलिएट क्यों बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यूं कहें कि हमारे बिजनेस करने की ये पहली सीढ़ी है, यानी कि बिजनेसमैन बनने की ये पहली सीढ़ी है, तो ये कहना ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद ही हम बहुत सारे लोगों को एफिलिएट बना सकते हैं, उनको रीसेलर बना सकते हैं, और कस्टमर तो हम किसी को भी बना सकते हैं, और कस्टमर भी हम तभी बना पाएंगे जब हम एफिलिएट होंगे, यानी कि हम संबद्ध हो जाएंगे इस इकोसिस्टम के साथ, अपने इस कंपनी के साथ, तभी हम यहां पर बहुत सारे लोगों को कस्टमर, रीसेलर, ये सब कुछ बना पाएंगे। डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी ने हम सबको सबसे पहले, जी हां, फॉरमोस्ट सबसे पहले हम लोगों को एफिलिएट बनाया है। अगर आप भी अभी तक एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके एफिलिएट लिंक आपने जनरेट नहीं की है, तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप किसी को भी ना तो कस्टमर बना पाएंगे, ना ही रीसेलर बना पाएंगे, इट मींस आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। इट इज द मोस्ट कंपल्सरी, और हम सभी फाउंडर्स के लिए तो कंपल्सरी है, लेकिन आने वाले वक्त में जो भी यहां पे लोग नए आएंगे, जो कि एक ट्रैफिक के माध्यम से आ रहे हैं या हमारे लिंक के माध्यम से आ रहे हैं, तो वो भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी इनकम कमाना चाहेंगे, तो उनको भी एफिलिएट बनना पड़ेगा। जी हाँ, वो उनको भी एफिलिएट बनना पड़ेगा। एफिलिएट बनकर उनको फॉर्म साइन करना पड़ेगा, एनडीए सिग्नेचर करना पड़ेगा, और एनडीए सिग्नेचर करके उनको प्रोडक्ट भी बाय करना पड़ेगा, तब वो जाकर के यहां पे बिजनेस कर पाएंगे, और तब जाकर के वो यहां से अच्छा खासा अपना एक, जिसको कहते हैं ना कि व्यापार करना या अपना घर पालना, पेट पालना, वो सब कुछ सारे के सारे काम कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज वो एक यूजर बन के रह जाएंगे, और यूजर बनने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि यहां पे हर कोई व्यक्ति काम करने के पर्पज से ही आएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा काम की था, और आपका भी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हमको अब एफिलिएट बनना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपके पास भी कोई जेन्युइन क्वेश्चंस आता है माइंड के अंदर, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट।